टॉक में आज एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने छात्र राजनीति से ही सकारात्मक एवं जमीनी स्तर की राजनीति की शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में सीधी जिले की चुरहट विधानसभा सीट में बीजेपी की जीत के लिए ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। आज यूथ टॉक में बात करेंगे राजनीति में उनकी सोच और भविष्य में किन योजनाओं के साथ वह आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दों की। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। यूथ पॉलिटिक्स, और जब यूथ पॉलिटिक्स की बात होती है तो हम ऐसे तमाम चेहरों की बात करते हैं जो मुख्य धारा की राजनीति में बहुत सक्रिय होकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो चर्चा में हमारे खास मेहमान ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, गुरु बाबा नाम से जाने जाते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीति का शुरुआती पड़ाव किस तरह से शुरू हुआ। आप संयोजक हैं विवेकानंद यूथ फाउंडेशन के भी, और अब मुख्य धारा की राजनीति में कैसे आना हुआ, इस पूरे समय को बताइए कि आखिर ये किस तरह से शुरुआत हुई। देखिए, मैं जब स्कूल टाइम के बाद कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में ही हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे, और छात्र राजनीति उस समय उसी साल से कॉलेज में बहुत दिनों बाद से छात्र संघ का चुनाव शुरू हुआ था। तो उस छात्र संघ चुनाव में अपनी जो सहभागिता बड़ी सक्रियता से हुई और राजनीति की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता गया, और उस रुचि ने हमको और राजनीति के इस मुकाम पर ला दिया है कि आप सब की नज़र हम पर है और मैं राजनीति में हूँ। आपकी शुरुआत विद्यार्थी परिषद से हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआती दिनों से ही जुड़ाव रहा, संघ की ओर ये झुकाव कैसे हुआ? बहुत सारे ऑप्शन उस समय भी रहे होंगे, सोशलिस्ट हो या फिर कांग्रेस की आइडियोलॉजी हो, तमाम चीज़ें थी, लेकिन संघ की ओर कैसे आना हुआ? जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो बताया ना, मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। विद्यार्थी परिषद का कार्यालय संघ कार्यालय में लगता था, तो हम लोग की बैठकें संघ कार्यालय में हुआ करती थी, सीधी के माधव सदन में, तो वहाँ आना जाना होता था। उस समय वहाँ जिला प्रचारक हुआ करते थे रजनीश पाठक जी, तो रजनीश पाठक जी हम लोगों के साथ घुलते मिलते थे, और उस वजह से धीरे धीरे राष्ट्रवाद और इन सब की जो अवधारणा है संघ की, समाज की सेवा करने का, ये सब तो आदमी जुड़ता गया, और संघ से अपना जो जुड़ाव है वो लगभग 2001 से। आप जब सक्रिय राजनीति में आए उसके बाद से ये देखा गया कि तमाम संगठन की जिम्मेदारियाँ आपने यहाँ भी निभाई, विंध्य में भी, मध्य प्रदेश में भी, दूसरे राज्यों में भी चुनाव के समय तमाम दायित्व मिले, ये सब चीज़ें कैसे हुई? संगठनात्मक क्षमता को लेकर मैंने जब ग्राउंड लेवल पर एक रिसर्च किया या फिर लोगों से बात की तो एक संगठनात्मक क्षमता आपके अंदर जो देखने को मिली, लोगों को जोड़कर, चाहे वो किसी वर्ग का हो, दलित हो, आदिवासी समाज से हो, उन सबको जोड़ने की एक कवायद कैसे शुरू हुई? संगठन से ये चीज़ें आपने इंस्पिरेशन में ली या फिर ये फिर किस तरह की पहल आपने की? देखिए, ये तो कुछ नेचुरल भी हो जाता है, और मेरे ऊपर नज़र पड़ी थी हमारे रीवा संभाग के, उसमें संभागीय संगठन मंत्री हुआ करते थे आदरणीय चंद्रशेखर झा जी। चंद्रशेखर झा जी ने मुझसे ऐसे ही कहा कि कुछ समय, महीने दो महीने का आप दोगे, उस समय 2013 का चुनाव चल रहा था, तो मैंने उनसे कह दिया हाँ। हाँ कहने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ भेज देंगे वो, मुझे लगा यहीं कहीं आसपास रखेंगे, लेकिन वो हमको चित्रकूट भेज दिया उन्होंने। और चित्रकूट का जो दिमाग में एक फिगर था कि ददुआ, बलखड़िया, ये सब चीज़ें, तो घर में भी बताने के बाद घर में भी लोग बड़े असहज हुए, पर भगवान राम की पवित्र भूमि गैवीनाथ और धारकुंडी का आश्रम, दरभंगा आश्रम, ये सब की कृपा थी कि राजनीति को हमारे वहाँ से संगठन में काम कैसे करना है, हाँ। वो मेरे मन में जो था वो मुझे इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिला, और चित्रकूट के कार्यकर्ता और चित्रकूट की जनता ने अपार स्नेह दिया। आज भी मेरा मतलब जो लगाव हमारे गृह क्षेत्र के बाद कहीं सबसे ज्यादा होता है तो चित्रकूट में होता है। एक बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है ज्ञानेंद्र जी, युवा और वर्तमान राजनीति, बहुत सारे मैंने नेताओं को देखा है जो यूथ पॉलिटिक्स से ही निकल कर सामने आए, और जब बड़े मंच पे पहुंचते हैं तो वो फिर उतना बड़ा स्टैंड यूथ के लिए नहीं लेते।
आज जो परिस्थितियां हैं, बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में भी लोग यूथ लीडरशिप से निकल के आते हैं, आप बीजेपी में जुड़े हैं, बीजेपी में भी लोग निकल कर आते हैं, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि धरातल पर काम करने वाला युवा राजनीति में कई बार पीछे भी हो जाता है। आर्थिक सक्षमता बहुत मायने रखती है वर्तमान परिदृश्य में, भले कितनी भी विचारधारा की पार्टियां बात करें, पर ये फैक्टर तो है। तो क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य जैसा है उसमें क्या युवा बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स में कर पाएगा, तमाम वो चीज़ें अचीव कर पाएगा जिसके लिए वो राजनीति करता है? ये बड़ा कठिन शब्द है और प्रश्न है आपका। और जो मैं देख रहा हूँ, युवा जब तक काम करने लायक रहता है, जब तक उसमें क्षमता दिखती है कि दौड़ भाग कर सकता है, जब तक ये दरी टाट पट्टी बिछा सकता है, तब झंडा लगा सकता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकता है, तब तक उसको इतना बढ़ाते हैं नेता, और जिस दिन से वो लगता है कि उसका थोड़ा सा रहन सहन कुर्ता थोड़ा ठीक ठाक हुआ, संपर्क का दायरा बढ़ा, तो नेताओं की नज़र उस पर सीधी उल्टी हो जाती है, असहज हो जाते हैं, डर लगने लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो नेता, वो युवा कार्यकर्ता कभी अपने किसी भी नेता के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन नेता के मन में उसके प्रति श्रद्धा में कमी हो जाती है, उसको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। इस कारण एक युवा, मैं अकेला उदाहरण नहीं हूँ, इस तरह के कई युवा हैं जिनके साथ यही हुआ है, और जब वो अपने खतरा महसूस करने लगते हैं तो उसको वहीं से काटने का काम शुरू कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय पे आ रहे हैं, 2018 विधानसभा चुनाव। मैं चुनाव के दौरान भी वहां गया था, उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में भी गया। एक चर्चा बार बार होती है, आप वहां पर सह प्रभारी थे चुरहट विधानसभा में, बहुत लंबे समय से वहाँ चुनाव जीत कर आ रहे थे अजय सिंह, 2018 के चुनाव में वो वहाँ हारे, धरातल पर आप थे, एक बहुत मजबूत संगठन था बीजेपी का, किस तरह से ये पूरी कवायद हुई थी और कैसे ये तमाम चीज़ें हो पाई? निश्चित रूप से अमित जी, एक्चुअली हम लोगों ने इतिहास में खगाला है कि 1967 में स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी ने स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह को चुनाव हराया था, उसके बाद वह परिवार चुरहट में 2018 में हरा है। अगर इस दौरान को आप काउंट करें तो 40 वर्ष होता है। बीच में 93 में आदरणीय गोविंद मिश्रा जी विधायक हुए थे, उस समय भी प्रत्याशी जो है लोकल नहीं था कांग्रेस का, तब 3200 से वो सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। 2018 का चुनाव ऐसे हवा में नहीं जीत गए, और सामने वाला प्रत्याशी कोई इतना हल्का नहीं था, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है उनकी क्षमता को, उनकी सेवा को सब लोग जानते हैं। उसके लिए एक जो यूथ, वो केवल, जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ, तो केवल ब्राह्मण वर्ग का यूथ नहीं, उसमें हरिजन भी था, उसमें OBC भी था, उसमें आदिवासी भी था, और ये सारी जो एक स्कूल लाइफ की जो जनरेशन यूथ की है, जिसको अपन टीनेजर्स कहते हैं, वहाँ से लेके 35 साल 40 साल तक का जो युवा था वो मुस्तैदी से खड़ा हुआ था। उसके पीछे, जैसे आपने कहा, ये स्वामी विवेकानंद यूथ फाउंडेशन का नाम लिया, इस फाउंडेशन ने एक चुरहट में बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन कराया जिसमें 2000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने खेला था, और ये अपने आप में एक अनूठी पहल थी, जिसमें 1.5 महीने से ज़्यादा आवासीय टूर्नामेंट चला, जिसमें पूरे खिलाड़ी 150-200 लोग रहते थे, वो सुबह नाश्ता भी करते थे, शाम दोपहर में भोजन करते थे, रात को वहीं भोजन करते थे, वहीं रहते थे। जो वो घुल मेल का एक कार्यकर्ता तैयार हुआ पूरे क्षेत्र में, वो ऐसे ऐसे अकाट्य जो लंबे समय से कांग्रेस के बाबा उस घर के, पिताजी जी उस घर के थे, उनने ये कह दिया कि चलो ठीक है, अब नाती गया या बेटा गया तो आप ले जाओ इसको। अच्छा, वो एक एक वोट ने उस विजय को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब एक पूरी टीम युवाओं की जो मैदान में डटी रही, वो तमाम चीजें। चुरहट का जब चुनाव हुआ तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुरहट नगर पंचायत की सड़क का मुद्दा, वो मुद्दा पहले भी उतना प्रासंगिक था, आज भी उतना प्रासंगिक है। अब आपकी पार्टी के विधायक हैं, उनसे भी मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, अब क्यों वो परिस्थितियां, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर, जिन वादों को लेकर आप आए थे, आप जब आपकी टीम धरातल पर होती है तो वादे आप ही करते हैं, आप ही आश्वासन दिलाते हैं, क्या वो चीज़ें पूरी हो पा रही हैं? निश्चित रूप से चुरहट की जो सड़क थी वो राष्ट्रीय मीडिया का मुद्दा हुआ था, और उस
के बाद एक सर्वे आया था, उस सर्वे में कांग्रेस और भाजपा में 2% का 2% का फ्लक्चुएशन था वोट पे, और उस सर्वे के बाद हम लोगों का जो थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा था कि नहीं, अपन जब नेशनल मीडिया में आ रहा है कि ये सीट भाजपा जीत सकती है तो अपन और तेज़ी से मेहनत करें, कोई कमी ना छोड़ें, कोई बारीकी ना छोड़ें, खाना खाएं ना खाएं, सोएं ना सोएं, मेहनत करके परिणाम को बदलना है, अपनी क्षमता दिखानी है। उस समय ये निश्चित रूप से उस चुरहट वासी हों, क्योंकि चुरहट कई बार लोग कह देते हैं कि चुरहट के में हमको वोट नहीं मिला तो हमारा रोड के अगल बगल जिसका घर है वहाँ तो हमको वोट नहीं मिला, लेकिन चुरहट एक ऐसी जगह है जहाँ हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 10-50 गांव के लोग जाते हैं वहाँ, तहसील है, एसडीएम है और कई सारे व्यवसायिक रोड, हर व्यक्ति जाता है, तो वो जात के दिखता ना कि वहाँ हम धूल में जा रहे हैं और शहर में पहुँचे तेल क्रीम पाउडर लगा के वहाँ पहुँचे तो धूल वाला पाउडर लग गया, बरसात में गए तो कीचड़ वाला पाउडर लग गया, तो जो ही जिसके धूल लगी जिसके कीचड़ लगा वो पहले ही गाली देता है कि ये नेता सड़क नहीं बन पाया, ये सरकार सड़क नहीं बना रही, तो वो केवल एक नगर पंचायत की रोड नहीं है, वो पूरे विधानसभा के केंद्र बिंदु है और वहाँ से तो पता नहीं कितने लोगों का आना जाना रहता है, सीधी का तो एक माहौल बनाती है। निश्चित रूप से चुरहट क्षेत्र की पूरी जनता को ये वो था कि जैसे ही विधायक बदलेंगे सरकार बदलेगी तो ये रोड बनेगी, लेकिन दुर्भाग्य है, मैं तो दुर्भाग्य ही कहूँगा कि 20 करोड़ रुपए केंद्र सरकार नहीं दे पा रही, और वो रोड अभी आपने वहाँ क्या हुआ आप सबने मीडिया के माध्यम से जन सहयोग से बनना शुरू है उसको, अब आप चाहे उसको ये कहें कि ये नौटंकी है या कहें कि ये तो दिल्ली बिल्ड कान बना रहा है, दिल्ली बिल्ड कान तो 4 साल से बना रहा था, तो सत्ता पक्ष भी कह सकता था कि बनाओ उसको, नहीं बनाया तो इसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की कमी थी। सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों में मैंने जो मॉनिटर किया वैचारिक रूप से भी और एक असंतोष देखने को मिला, आप कई मामलों में सरकार जैसे शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है या तरह तरह की जो चीज़ें चल रही हैं प्रदेश में उसको लेकर आपने लिखा, क्या हुआ, मतलब सरकार संगठन सारी चीज़ें हैं, पावर में है, सब कुछ है, पर मन में ये असंतोष क्यों उपज रहा है? देखिए, जब हमारे बीच के 10 युवा जब अपन बैठते हैं तो वो हमसे सवाल पूछते हैं, भैया आपकी पार्टी सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, पोस्टिंग नहीं हो रही, मैं ओवर एज हो रहा हूँ, मेरा 3 साल हो गया, आप दोबारा मुझे टेस्ट देना पड़ेगा, तो इस तरह की जब समस्याएं आती तो मन दुखी होता है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और सरकारी स्कूल की आज दुर्दशा ये है कि शिक्षक नहीं है और जो शिक्षक है उनको सरकार उनसे दूसरा काम करा रही है, तो आखिर वो विद्यार्थी कहाँ पढ़े, नहीं है जिसकी शहर से 20 किलोमीटर रोज आने जाने की व्यवस्था या 50 किलोमीटर रीवा सीधी में रह के नहीं पढ़ सकता, वो तो गांव के ही स्कूल में पढ़ेगा, और गांवों में अभी ऐसी कोई प्राइवेट स्कूल पैसा देना भी चाहता है तो नहीं दे सकता, प्राइवेट स्कूल है ही नहीं, हायर सेकेंडरी लेवल की छोटी है, प्राइमरी मिडिल इससे ज्यादा की स्टैंडर्ड की तो है नहीं, तो जब शिक्षक नहीं है तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि सरकार नियुक्ति नहीं कर रही, सरकार ये नहीं कर रही है, तो ये समस्याएं देख के मन दुखी होता है, और जब मन दुखी होता है तो वही भावनाएं सामने आ जाती हैं। हाँ, जब आप अपने मित्रों के साथ बैठते होंगे तो तमाम चर्चाएं होती होंगी, महंगाई पर भी बात होती होगी, कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ उस पर भी बात होती होगी, सीधी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अब बड़ी पोस्ट पे भी हैं तो बड़ी उम्मीद होती है, सांसद हैं भाजपा से, विधायक हैं, सब कुछ है, क्या लगता है पॉलिटिकल विल इस तरह का काम नहीं करने दे रही, इतनी क्षमताएं नहीं है क्या, सीधी को कैसे उन सब चीज़ों से बाहर निकाल पाएंगे? देखिए, ये तो जो वर्तमान में नेता चुन के आए हैं उन लोगों से बड़ी बड़ी बड़े बड़े पहले ही वादे किए हैं कि हम ये नहीं वादे कम किए, जो पहले था उसकी कम ही गिनाया कि फला ने ये नहीं किया, फला ने ये नहीं किया, फला ने ये नहीं किया, तो अब तो अवसर मिला है, उनको करना चाहिए, और अगर अवसर मिला है और नहीं कर रहे हैं तो जनता उनको सबक सिखाएगी, आने वाले समय में जनता उनको मुँह तोड़ जवाब देगी, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह के पोस्ट आपके सोशल मीडिया में इस समय है और जिस तरह की चर्चाएं हैं, तो कई एक सवाल कई बार आता है कि
क्या कोई बड़ा पॉलिटिकल स्टंट होगा आपकी ओर से, क्या भविष्य में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पर क्या आपका कहना है, क्या भविष्य में ऐसे जी मैं राजनीति में आया हूँ तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ना कोई बड़ी विषय नहीं है। वो हर कार्यकर्ता, हर जो भी राजनीति शुरू करता है तो हर सबके मन में रहता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। लगभग ये सबकी इच्छा रहती है, चुनाव तो मुझे भी लड़ना है, ये अवसर कब मिलेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। रही बात जो आप सोशल मीडिया में हमारे जो टिप्पणियाँ हैं उनके बारे में जो आपका कहना है, जो कि भी कुछ भी बदलाव होगा तो निकट भविष्य में आपको, आप मीडिया से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको तो पहले ही पता चलेगा जी। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब यूथ टॉक में हम ऐसे गेस्ट से आपको रूबरू कराते हैं तो उसके बारे में हमारी धारणा ये होती है कि अगर पॉलिटिकल एबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह से आप विधानसभा चुनाव के दौरान सक्रिय रहे, जिस तरह से जिस विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उम्मीद है कि भविष्य में कुछ बड़े फैसले, कुछ अच्छी चीज़ें राजनीति में, कुछ नवाचार लेकर आप भी आएंगे। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ, वर्तमान में आपने एक परिस्थिति का जिक्र किया कि हर कार्यकर्ता की मंशा होती है कि वो भी चुनाव लड़े, जब तक वो तैयार होता है तब तक सब कुछ उसके पक्ष में रहता है, लोग वाहवाही करते हैं, चाहे नेता हो चाहे कुछ भी, हर दल की स्थिति है, लेकिन जब वो आगे बढ़ना शुरू करता है तो एक पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी हो जाती है नेता को, कहीं ये आगे ना निकल जाए। शायद इन परिस्थितियों से आप भी गुजर रहे होंगे इसलिए आपने उनका जिक्र किया। वर्तमान में जो राजनीति का स्तर जिस तरह से गिर रहा है, वैचारिक रूप से भी गिर रहा है, अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो दुश्मनी जैसी स्थिति निर्मित हो जा रही है, तो ऐसे में युवा अपने आप को कहाँ देखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? आप खुद इस तरह की चीज़ें फेस करते होंगे। बिल्कुल, विरोध करने के बाद भी ये मन में भय बना रहता है कि कब दरवाजे पे पुलिस पहुंच जाएगी। कई बार तो मुझे कई तरह जगह से मैसेज भी आया कि पुलिस विभाग से ही मैसेज आया, क्योंकि वहाँ भी अपने कुछ लोग हैं, उन्हें कहा कि भैया आप सावधान होकर रहिएगा। तो मेरा उनका यही जवाब था, उनको शायद जानकारी नहीं ना रही होगी कि हो सकता है राजनीति के पीछे लोग कई तरह के काम करते हैं। तो मेरा सब जवाब था उनको कि भैया मेरा एक नंबर का ही कोई काम नहीं चलता, दो नंबर का तो सवाल ही नहीं है। तो इस तरह की मुझे कोई समस्या नहीं है, और राजनीति में आया हूँ, अगर कोई मुझे जेल भेजना चाहेगा, सत्ता में है, पावर में है, तो लिखा होगा तो वो भी करेंगे। वर्तमान में राजनीति बहुत महंगी हो गई ज्ञानेंद्र जी, अर्थ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस तरह की कोई कार्य योजना आपके दिमाग में होगी कि चुनाव लड़ना है, कोई भी चीज़ होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको लगता है कि जन लगाव या जनता से जुड़े होने के बाद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? निश्चित रूप से पड़ेगी है, राजनीति में एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसको तो फुलफिल करना ही पड़ता है। रोज क्षेत्र में ही घूमना है तो 1500 रुपये का तो डीजल खर्चा हो जाता है। कई बार लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि मैं तबीयत खराब है या कुछ खराब है, किसी के बहन बेटी की शादी, आदमी को लगता है कि मदद करें। तो आगे अपन निकट भविष्य में कुछ ऐसे प्लान हैं कि कुछ रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, राजनीति पे कभी अवसर मिलेगा तो अपने कई ऐसे सहयोगी मित्र हैं आप जैसे, जो इस तरह के सहयोग, जो एक चुनाव का बेसिक खर्चा होता है वो उठाने के लिए हैं मेरे साथ। समय आएगा तो मुझे विश्वास है कि वो मेरे मित्र आज आपके विंध्य टाइम्स के माध्यम से जहाँ से भी मुझे सुन रहे होंगे वो हमारी मदद करेंगे। बड़ी बात है, ज्ञानेंद्र जी सब कुछ छोड़ कर राजनीति में आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में एक सकारात्मक सोच के साथ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छा मुकाम भी हासिल करेंगे, सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी एक कवायद है, क्योंकि जितना मैंने ग्राउंड लेवल पर देखा है कि हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हुए एक मजबूत संगठन जो वहाँ पर स्थानीय रूप पर मजबूत किया गया था, जो डेवलप किया गया था, जिसके कारण वो विक्ट्री मिली थी 2018 की, उसके बाद से लगातार सक्रिय हैं, लेकिन जहाँ पर उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, चाहे नियुक्तियों का मामला हो, चाहे प्रदेश से जुड़े हुए मसले हों, उसको लेकर वो अपनी असहमति भी जता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। अगले एपिसोड में हम फिर किसी लीडर को लेकर आपके बीच में होंगे, युवा लीडर को लेकर आपके बीच में होंगे, और उनके बारे में जानेंगे, उनकी योजनाओं के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।